जय माता दी। आज मैं आपको शरद नवरात्रों के विषय में बताऊंगा। शरद नवरात्र जिन्हें हम आश्विन नवरात्र भी कहते हैं, इस वर्ष 3 अक्टूबर वीरवार से शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रों का समापन 12 अक्टूबर को होगा और इसी दिन शाम को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रे के प्रथम दिन जो है भगवती देवी दुर्गा की अखंड ज्योति जलाई जाती है, कलश की स्थापना की जाती है और देवी दुर्गा की जो है साख लगाई जाती है, जिसका शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर वीरवार को सुबह 6:32 से लेकर दोपहर 3:32 तक रहेगा। यानी प्रातः काल ही आप ये कलश की स्थापना करने, अखंड ज्योति जलाएं और देवी दुर्गा की साख लगाएं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप व्रत भी कर सकते हैं और इन दिनों जो है हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और नाखून बाल आदि नहीं काटने चाहिए, चमड़े की वस्तु नहीं पहननी चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, स्वयं नहीं कर सकते तो विद्वान पंडित जी से अवश्य करवाएं, जो योग्य हैं विद्वान हैं उनसे करवाएं और नवरात्रों के दिनों में माँ देवी के मंत्र स्तोत्रों का पाठ करें। कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। घर के आसपास जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला जीवन जो है आपका मंगलमय रहे। जय माता दी।